हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला होगा, अगर आपके वेबसाइट पे है ना गूगल के एड्स शो नहीं हो रहे, मतलब वहाँ पे ना दोस्तों जहाँ पे गूगल एडसेंस के है ना एड्स शो होने चाहिए वहाँ पे ब्लैंक आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्यों हो रहा है मैं आपको आज ये भी समझाने वाला हूँ, और इसका सोल्यूशन क्या है आज मैं आपको वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जरा सर आपको है ना मतलब पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी क्या है ना, अगर आपके है ना वेबसाइट पे इनवैलिड ट्रैफिक या फिर पुअर ट्रैफिक आती है ना, मतलब क्या ना ट्रैफिक बिल्कुल सही जगह से नहीं आ रही है, फिर अनवेरीफाइड ट्रैफिक है, तो दोस्तों यहाँ पे गूगल एडसेंस क्या करता है कि ना आपके एड्स को है ना लिमिट कर देता है, मतलब उसमें ना एक लिमिट डाल देता है कि ना बहुत कम है ना ये एड्स आएंगे, या फिर है ना आपके एड्स ना बिल्कुल ख़त्म कर देता है और बिल्कुल रोक देता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपको कंफर्म कैसे करना है कि ना आपके वेबसाइट पे है ना एड्स लिमिटेड हो गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने वो वीडियो में पहले ही बता चुका है, मैं इस वीडियो में आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, उस लिंक से आप ना आ जाएंगे इस पेज पे। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपको क्या करना होता है कि ना इस फॉर्म को फिल करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको है ना 1 वीक का वेट करना पड़ेगा। 1 वीक के अंदर है ना आपको गूगल एडसेंस है ना एक ईमेल कर देगी जिसमें आपको बता देगी कि है ना कि आपके वेबसाइट पे एड्स क्यों नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कंफर्म करने का एक पूरा फुल तरीका है कि ना आपके वेबसाइट पे एड्स क्यों नहीं शो हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें है ना वो लोग बताएंगे कि ना कि आपके एड्स लिमिटेड है या फिर है ना एड्स बिल्कुल रोक दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना आप ये देख के पूरा कंफर्म हो सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे एड्स शो हो सकते हैं कि नहीं आगे, या फिर बिल्कुल यहीं पे अब रुक चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको है ना अब बताता हूँ कि आप इसमें और आगे क्या कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देख सकते हैं मैं अभी सब्सक्राइबर कम है, तो होप आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है सब केस में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि ना जहाँ पे भी खाली खाली ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है ना जितने भी एड यूनिट्स हैं जो है ना बिल्कुल आपने है ना पोस्ट सबके बीच में लगाया, सबसे पहले आप हटा दीजिए बिल्कुल। ठीक है, कम एड्स रखिए अभी, क्योंकि है ना दोस्तों कम इंप्रेशन आएंगे। अभी मान लीजिए आपके लिमिटेड एड्स आ रहे हैं तो भी दोस्तों आपके कम इंप्रेशन से है ना आपके ट्रैफिक बिल्कुल सही हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, कम इंप्रेशन से है ना वहाँ पे आपके ट्रैफिक सही हो सकते हैं, तो फिर से है ना आपके एड्स आना बिल्कुल शुरू हो सकते हैं। मेरे साथ दोस्तों भी ये है, कुछ दिन पहले यही प्रॉब्लम हो रही थी और आजकल ऐसी प्रॉब्लम आती जाती है, तो मैंने भी है ना ऐसे किया था और मुझे ईमेल में ऐसे रिप्लाई आ चुका है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी यही करिए। ठीक है, तो आपको पहले ये कर देना है, उसको दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप एडसेंस के सेटिंग्स में जाएंगे मतलब ऐड यूनिट में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ऐड बैलेंस। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि आप ऐड बैलेंस को हमेशा 100% रखें। ठीक है, आपको वहाँ पर कोई भी अभी एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं करना, आपको बस 100% रख के वहाँ छोड़ देना है। ठीक है, जब आपके एड्स ना आना शुरू होंगे तो आपका ना उसको 90% कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ना 1 वीक के अंदर आप उसको फिर से 100% कर दीजिएगा। इससे है ना आपके एक्सपेरिमेंट में से ना एड्स ऑटोमेटिकली ना ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, और है ना फिर आपके मतलब वेबसाइट पे एड्स है ना बिल्कुल ठीक से शो होंगे अगली बार से, जब आपके एड्स वापस आना शुरू हो जाएंगे तब। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।